दतिया में विकास यात्रा के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता को कई सौगातें दी। वहीं इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर रस्साकसी का माहौल है, कई अध्यक्षों को होल्ड किया जा रहा है, चुनाव आते आते ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का पद ही होल्ड पर चला जाए। शिवराज सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर विकास यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रही है। विकास यात्रा में भाजपा के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक शामिल हो रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विकास यात्रा के दौरान कई सौगातें दी। उन्होंने विकास यात्रा में आए लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में रस्सा कसी का माहौल है, ये जगह जगह के अध्यक्ष होल्ड कर रहे हैं। पहले इन्होंने इंदौर अध्यक्ष का पद होल्ड पर रखा था, अब खंडवा अध्यक्ष का पद होल्ड पर रख दिया है। मेरा कांग्रेसियों से निवेदन है कि वह कमलनाथ की उम्र का भले ही ख्याल न रखें, लेकिन उनकी उपलब्धियों के बारे में तो सोचे। ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते मुख्यमंत्री उम्मीदवार का पद ही होल्ड पर चला जाए। कांग्रेस में रस्साकसी चल रही है, सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा इस बात की लगातार बयान सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया। जो इनके छोटे भाई हैं ना कमलनाथ जी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कमलनाथ जी की उम्र का ध्यान नहीं रख रहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान रखो। मेरे को तो लगता है कि चुनाव आते आते तक ये मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पे करा देंगे आपका इनका कमलनाथ जी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।